हाल चाल बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। आज क्लास 11th फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में आपका होगा इस टॉपिक से इंट्रोडक्शन, और हम आपको सिखाएंगे डायमेंशंस। फिर हम लोग ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालेंगे, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप खुद से प्रिपेयर करते हो। फिर भी कोई बच्चा चाहे तो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpandey.com पर जाकर इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकता है, जो कि मैं थोड़ी देर बाद वहां पे अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज के लेक्चर के एंड में आपको वेबसाइट पे जाना है और एक DPP डाउनलोड करनी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। वहां पे मैं डाल दूंगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसमें 10-12 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं लेक्चर खत्म होने के बाद। तैयार हैं आप? यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर। शुरू करेंगे कहानी से, बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं रिचर्ड फीमेन। सुनो कहानी सुनो, भूल जाओ सब, बहुत मजा आएगा। इन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास चेसबोर्ड हो, चेसबोर्ड सबने देख रखा है, चेसबोर्ड में 8x8 का डायमेंशन होता है ना, तो मान लेना 8x8 है, ठीक है, जितने भी बन जाए 8x8 मान लेना, ठीक है। यहाँ पे गोटियाँ रखी हैं, यहाँ पे क्या होता है पॉन, हिंदी में क्या बोलते हैं प्यादे, यहाँ पे प्यादे रखे हैं, क्या होता है साइड में हाथी रखा होता है, ऊंट घोड़ा है ना, और बकरी वकरी सब जो भी है वो सब रखा है, ठीक है। अच्छा, गेम को खेल रहे हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर, पहली है सुषमा और दूसरी है पुष्पा। चूज योर साइड, किसकी तरफ हो तुम, सुषमा और पुष्पा, पर हमें इनको ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल बबीता, और यहां पे बैठी हैं बबीता की मम्मी जो कि गुस्सा है, बेटी पढ़ाई नहीं कर रही, लॉकडाउन में चेस देख रही। इनके पास एक फोन है और बबीता के पास भी एक फोन है। अच्छा, ये चेस बोर्ड है, ठीक है, 8x8 का, समझ लेना। बबीता को गेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है। सुषमा पुष्पा गेम खेलना शुरू की है। सुषमा ने इस पॉन को या प्यादे को एक कदम आगे चलाया, बबीता ने देखा, अच्छा मतलब एक गोटी एक कदम आगे चलती है। मम्मी को फोन किया कि मम्मी एक गोटी एक कदम आगे चलती है, सीधा। इन्होंने भी एक कदम आगे चला, इन्होंने कहा हाँ ठीक है मम्मी, बात सही है। मम्मी ने कहा ठीक है, एक लॉ हमें समझ में आया। फिर क्या हुआ कि सुषमा ने उठा के अपना ऊंट चला दिया और ऊंट चला 1, 2, 3। इसने कहा ये क्या हो रहा भैया, मम्मी को फोन किया, मम्मी इसमें एक ऊंट भी है वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, ये भी मान लेते हैं। फिर क्या हुआ, पुष्पा ने उठा के अपना घोड़ा चल दिया, 1, 2, 2.5। इन्होंने कहा अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी चल सकता है। मम्मी को फोन किया, मम्मी एक घोड़ा है, घोड़ा क्या है, जो हॉर्स है वो 1, 2.5 चलते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। मम्मी ने कहा चलो ठीक है। धीमे धीमे करके बबीता ने पूरा गेम ऑब्जर्व किया और हर गोटी की चाल देख ली। हीरानी को देखा हो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कितना चल रही है, राजा एक एक कदम कहीं चल रहा है, हाथी सीधा सीधा चल रहा है, जो भी नियम थे धीमे धीमे बबीता समझ गई और फोन करके मम्मी को समझा दिया, ठीक है बहुत बढ़िया। सडनली क्या हुआ कि पुष्पा का जो ये पॉन है, जो प्यादा है, वो यहां पहुंचा और बबीता, अरे पुष्पा का यहां पहुंचा और सुषमा का पॉन यहां पहुंचा, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने देखा मार सकते हैं, काट दिया, काटता टेढ़ा टेढ़ा है प्यादा। बबीता ने कहा ये क्या हुआ, ये तो टेढ़ा चलता है, मम्मी को फोन किया, मम्मी प्यादा टेढ़ा चलता है, मम्मी बोली सीधा चलता है, कैसी बात कर रही हो, हैं सुबह टाइम से उठा करो, दूध पिया करो, दिमाग सही हो जाएगा है ना, तो यही होता है ना, मम्मी लगी कहती है। तो बबीता ने कहा नहीं नहीं काटता टेढ़ा है। मम्मी ने कहा अच्छा, बबीता ने कहा कि जो पहले लॉ बताया था वो सही है, चलता तो सीधा ही है, पर जहां उसे काटने का मौका दिखता है वो टेढ़ा ही काटता है, सीधा काट नहीं सकता। तो यानी जो पहले लॉ बताया था उसमें एक इंप्रूवमेंट कर दिया, उसमें एक इंप्रूवमेंट कर दिया। ऐसे ही धीमे धीमे उसने अपने लॉज को इंप्रूव किया और चेस का गेम बढ़िया से समझ गया। बबीता कब चेस का गेम पूरा समझ जाएगी, कभी नहीं, क्योंकि हर कंडीशन में एक बेस्ट मूव होता है और वो बेस्ट मूव हर कंडीशन का अलग अलग है, हर प्रोबेबिलिटी का अलग अलग है। यहां पर न्यूमरस प्रोबेबिलिटी बनेगी, कभी गोट इधर है, रानी इधर है, राजा इधर है,
समझ रहे हो, अलग अलग तरह की यहां पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। हर कॉन्फ़िगरेशन का बेस्ट मूव जो होता है वो अलग होता है। तो बबीता हो सकता हो बेसिक लॉज, बेसिक प्रिंसिपल तो पकड़ ले, पर कंप्लीट लॉज की कब क्या मूव चलना है ये कभी नहीं पकड़ पाएगी जीवन में। देखते देखते हो सकता हो अपनी तरफ से बेस्ट चले, पर उससे भी बेस्ट छुपा हो गेम के अंदर। हमेशा लर्निंग चलती रहेगी। अब सुनो, ये जो चेस बोर्ड है ये एक्चुअली में हमारा नेचर है, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। इसके रूल्स किसी ने पहले से बनाए हैं इस नेचर के, उसको हम बोल रहे हैं आर्किटेक्ट। जिसने ये प्रोग्राम लिखा है, ये कोडिंग पूरी लिखी है, आर्किटेक्ट जिसको आप गॉड कह सकते हो। बबीता एक साइंटिस्ट है जो यहां से मूव्स को देख रही है। जैसे एक मूव हुआ, ये मूव क्या, एक फिनोमेना है, एक फिनोमेना को देखती है और उसके बेसिस पे अपनी मम्मी को एक लॉ बता देती है। मम्मी क्या है, मम्मी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है जो साइंटिस्ट के थ्रू धीमे धीमे लॉस को समझ रहे हैं। हर बार उसने देखा कि ऊंट ऐसे चला, एक नया लॉ, देखा हाथी ऐसे चला, एक नया लॉ। धीमे धीमे साइंटिस्ट ने नेचर को देख देख के लॉस बनाए। लॉस से नेचर नहीं बना, नेचर से लॉस बना है। यहां देख देख के अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, बता दिया ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर जब इसने देखा कि ये प्यादा टेढ़ा काटता है, तो इसने बोला कि हमारा एक लॉ में थोड़ा सा करेक्शन करना है। जिस तरह से शायद आपको पता हो, न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड दिया था और लाप्लास ने उसको करेक्ट किया था। करेक्शन करना पड़ता है, कई बार लॉज में अमेंडमेंट होते हैं, लॉज में चेंज होते हैं। तो वही इसने किया कि हाँ, साइंटिस्ट ने बोला कि हाँ वो सही था, थोड़ा इंप्रूव करते हैं, वो चलता रहता है इंप्रूवमेंट। पर बेस्ट मूव क्या है वो बबीता अपनी मम्मी कभी नहीं बता सकती कि बेस्ट मूव क्या है। वो जिंदगी भर लग जाएगा, खेलते रहो हमेशा हर सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग। सो यू कैन नेवर से दैट यू हैव फुल्ली अंडरस्टैंड द होल फिजिकल वर्ल्ड, कभी नहीं। यहां बहुत राज छुपे रहेंगे हमेशा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक ऑब्जर्वर है, ये इनकी मम्मी बाहर से ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वर का काम यही है, नेचर को देखो, फिनोमेनास को देखो और नोट करो, लॉस बनाते जाओ। कोई कहीं पे गलत दिखे तो लॉस को चेंज कर दो। इट्स सो सिंपल। रिचर्ड फीमन ने इतना सिंपलिसिटी से ये बात बताई। अब समझ में आ गया। जीता कौन सर, सुषमा की पुष्पा? हम तो पुष्पा की साइड थे। अरे सर उसकी आंख नाक भी नहीं है, इसकी एक आंख है, ठीक है। जो भी सुषमा ये वीडियो देख रही हो, सॉरी छोटी बहन। तो अब ये पूरा लॉ समझने के लिए, ये पूरा रूल समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए, इसको समझने के लिए एक भाषा चाहिए, कुछ टर्म्स चाहिए। वो टर्म्स हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, जो डिस्क्राइब करेंगे इन लॉज को। इन लॉज को समझने के लिए हमको एक लैंग्वेज चाहिए ना। इन लॉज को हम कैसे समझें, इसको हमें किसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, जो लॉज होते हैं फिजिक्स के, किसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उन इक्वेशन को हम किससे बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज से बनाते हैं। अब आप हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज, मिटा दें इसको। नहीं सर, बड़ा मजा आ रहा था गेम में, तो सर हम तो इस टाइम लॉकडाउन में लूडो खेलते हैं। हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। TQ फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? ये ऐसी क्वांटिटीज जो आपको हेल्प करे फॉर्मूला बनाने में, इक्वेशंस बनाने में, या नेचर के लॉस को समझने में। और हाँ, डेफिनेटली ये आप मेजर कर सको, है ना, ये सब तो नाइन्थ पढ़ोगे, मेजरेबल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वही सर। सो फिजिकल क्वांटिटी, दीज क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज, ऐसे लिखते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी measured by an instrument, कोई भी instrument हो सकता है, अलग अलग quantity को अलग अलग instrument measure करता है, by an instrument and which describes the laws of physical world। ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और आपकी जनरेशन वाले इसको PQ बोलते हैं, ठीक है। बड़ा क्लीसे हो गया सर, क्लीसे। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर हो सके किसी इंस्ट्रूमेंट से और जो डिस्क्राइब करे लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये दो चीज से बनी होती है, N × U। देख रखा होगा 9th क्लास में, सब जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, हमें पहुंचना है डायमेंशन पे। N × U बच्चों, n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, u होता है, सभी लोग बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, आवाज आनी चाहिए, यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें क्या बताता है,
कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट है, और यूनिट क्या होती है बच्चों, एक कंपैरिजन होती है। बाकी यूनिट के बारे में पढ़ना है तो क्लास 9 की किताब उठा के आप पढ़ सकते हो, बहुत ढेर सारी चीजें, ठीक है, कि यूनिट कैसे डिफाइन होती, क्या एक कंपैरिजन है जिसके नंबर ऑफ टाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यू और दोनों को मिला लिया तो फिजिकल क्वांटिटी। एक बहुत ही घटिया एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कि मान लो हमारे पास एक हाथी है। अभी देखो मैं हाथी कितना सुंदर बनाने वाला हूँ। हमारे पास एक हाथी है, ठीक है, हाथी, हाथी को बोलते हैं एलिफेंट, और यहाँ पे हमारे पास एक गोट है, बकरी, बकरी तो और सुंदर बन गई, गोट। हमें एलिफेंट का वेट बताना है इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ गोट, तो हमने कहा 150 गुना होगा, तो हमने बोला वेट ऑफ एलिफेंट इज इक्वल्स टू 150 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गोट। अब यहां आप किसके बेसिस पे मेजर कर रहे हो, वेट ऑफ गोट के बेसिस पे, ये हो गई आपकी यूनिट, और उसके कितने गुना है वो हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। एकदम एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम बोले हैं कि वेट ऑफ कोई भी और जानवर ले लो, ह्यूमन ले लिया हमने, वो हमने क्या दिया 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ गोट है, ठीक है, कमजोर सी गोट है, अभी खाना नहीं खाई है, हाँ 2 टाइम्स। तो देखो वेट ऑफ गोट क्या हमारी एक बेसिक चीज है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन के लिए हमने उसको बना रखा है, ये होती है यूनिट, और उसके कितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो चीज हमें एक्सप्रेस करनी है वो क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल, बहुत डेप्थ में इसके नहीं जाएंगे, क्लियर है, बट ये याद रखना पी क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू यू, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, ये यूज होगा आगे डायमेंशन में भी, आज नहीं आगे यूज होगा, नोट कर लिया इसको, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर हो सके जिससे लॉज ऑफ नेचर को हम समझा सके, जो फॉर्मूले में यूज होंगी, फिजिकल क्वांटिटी इज एन इंटू यू। चलो मिटा रहे, ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ पी क्यू, तूने मेरे जाने। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की, कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा, ऐसे ही गाते रहो, जाना तुम्हारी किसी और का इश्क दर्द जान रही है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अरे ये सब क्या पढ़ा है, सब बेसिक चीजें, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इस पे ध्यान देना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, आई गारंटी यू यहां दिल लगाओ कभी धोखा नहीं देगी फिजिक्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये होती है। पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पी क्यू। अब ये क्या है फंडामेंटल, एकदम बेसिक्स, जैसे मान लो आपको इंग्लिश की एक किताब पढ़नी है या किताब लिखनी है या ग्रामर समझनी है पूरी, तो आपको क्या चाहिए सबसे पहले, सबसे पहले आपको इंग्लिश के अल्फाबेट आने चाहिए, फंडामेंटल चीजें आनी चाहिए, कितने अल्फाबेट है 26 डिफाइंड है, उसी से पूरी इंग्लिश बन गई है। इसी तरह से फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिससे बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी आप बना सकते हो, 7 फंडामेंटल है जिसकी हेल्प से आप बाकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जी हां कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप बना सकते हो। तो ये क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये खुद की बनी है इंडिविजुअल, विच आर, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एकदम बेसिक फंडामेंटल, जैसे अल्फाबेट है 26, वैसे ही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइंड है, कितनी है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइंड है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी एसआई यूनिट और सिंबल यहां पे हम लिख देते हैं। चलो स्टार्ट करो, सब लोग बोलेंगे सबसे पहली लेंथ, उसके लिए यूनिट क्या होती है, यहां पे कॉलम बना लेते हैं, यहां पे फिजिकल क्वांटिटी लिख लेंगे, यहां पे हम उसकी यूनिट लिख लेंगे, और यहां पे उसका हम और जगह है, फिजिकल क्वांटिटी लिख लेंगे, यहां पे हम फिजिकल क्वांटिटी लिख लेंगे, यहां पे उसकी यूनिट लिख लेंगे, और यहां पे हम उसका सिंबल लिख लेंगे। चलो शुरू करते हैं, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारी लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, यूनिट क्या होती है लेंथ की, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, सिंबल क्या होता है यम।
दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो गई मेरी फंडामेंटल मास, एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल क्या हो जाता है केजी। तीसरी कौन सी हो जाएगी हमारी टाइम, एसआई यूनिट सेकेंड्स, सिंबल क्या हो जाता है एस। चौथी हमारी हो जाती है टेम्परेचर, एसआई यूनिट केल्विन। देखो ऐसे बहुत सी यूनिट है, हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात, केल्विन, सिंबल क्या हो जाएगा कैपिटल के। पांचवी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या होती है इसकी एम्पियर, सिंबल क्या होता है कैपिटल ए। छठी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अरे सर क्लास नाइन्थ की याद दिला दी, कुछ नहीं समझ में आया था उस टाइम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट होती है कैंडला। सर ये क्या होता है, ये उस टाइम भी नहीं आया था, आज भी नहीं आएगा भाई। ये होती है लाइट की एनर्जी एक्सप्रेस करने की तरीका, ठीक है, कैंडेला। सिंबल हो जाएगा स्मॉल सी स्मॉल डी। लास्ट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो पढ़ रखा आपने टेंथ में, इलेवेंथ में भी पढ़ ही रहोगे। यूनिट है इसकी मोल और सिंबल है एम ओ एल। ये हमारी सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर करके आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हो। इसके बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सोचोगे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके सिवा कुछ भी आप फिजिकल क्वांटिटी सोचते हो, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब इन्हीं से बनेगी, यहीं से सब बनने वाले। नोट कर लिया है, मिटा रहे हैं इसको। अब आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या होती हैं, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो नेचर के लॉस को समझाने वाली सबसे फंडामेंटल है, उन्हीं से मिला मिला के हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितनी होती हैं, अरे ये बहुत होती हैं, अनगिनत हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया एरिया, तो बच्चों एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना है, मतलब एक ही से बना, उसको दो टाइम्स कर दिया, मीटर इंटू मीटर, या ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक तरह से आपने क्या किया, लेंथ और लेंथ को ही तो मल्टीप्लाई किया, अरे ब्रेथ भी मतलब लेंथ ही तो है, मीटर इंटू मीटर, है ना। मतलब फंडामेंटल यूनिट को दो बार लिखना पड़ जाए तो डिराइव यूनिट या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो वॉल्यूम हो गया, समझ गए ना, उनके सिवा जो भी बनाओगे, मीटर क्यूब यानी तीन बार मीटर लिया, यानी तीन बार लेंथ को लिया। जैसे मान लो वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अरे अभी पढ़ाएंगे सो, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, या समझ लो लेंथ अपॉन टाइम। देखो एक बार यूनिट से पकड़ने लगे ना तो मजा आएगा, है ना, बच्चों को पढ़ा जाता है ऐसे, लेंथ अपॉन टाइम, है ना, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, टाइम दूसरी, समझ गए, डिराइव्ड हो गई, मिली जुली। कुछ भी उठा लो तुम, फोर्स उठा लो, वर्क उठा लो, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देख रहे हो ये मास से बनी है और एक्सेलरेशन किससे बनता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से, वेलोसिटी किससे बनेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अरे बहुत भयानक डिराइव्ड क्वांटिटी है ये, समझ रहे हो। मास तो चलो ठीक है, एक हो गया मास हमारा, उसके बाद एक्सेलरेशन किससे बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसकी यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन मत बोल देना कि सर न्यूटन है एक ही तो है, ऐसा नहीं है, न्यूटन क्या होता है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो मास भी आ गया, लेंथ भी आ गई और टाइम भी आ गया। जैसे वर्क हो गया हमारा, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो ये मत कहना सर जूल, जूल एक डिराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट थोड़ी ना, फंडामेंटल यूनिट वही साथ थी। जूल का क्या होता है भाई, एक्सपेंड करो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक बार मास है, दो बार लेंथ है, दो बार टाइम, समझ गए हो, ठीक है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। चलो अब ये ध्यान से देखना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये भी डिफाइंड है, ये दो ही हैं, इनको आप फंडामेंटल भी बोल सकते हो बट ये अलग से बताई जाती है, ये डिफाइंड है, दो हैं, कौन कौन सी है, एक है एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल।
एक है एंगल, एक है सॉलिड एंगल। क्या होता है एंगल को समझते हैं, एंगल क्या होता है, जैसे एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इनके बीच में जो ये सब्सटेंड होता है इसको हम एंगल बोल देते हैं। लाइन लाइन के बीच में भी हो सकता है और प्लेन्स के बीच में भी हो सकता है, एरोप्लेन नहीं, दो प्लेन के बीच में ऐसे। ये हो गया थीटा या एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, शायद पढ़ रखो क्लास टेंथ में यार, ये तो ये ऐसे होता था, इसको बोलते थे आर्क, इसको बोलते थे रेडियस। थीटा का फॉर्मूला हो जाता था आर्क बटे रेडियस, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो डिफाइंड है, इसकी यूनिट है रेडियन, ये इसकी यूनिट हो गई। और इसका जो सिंबल है बच्चों वो है आर ए डी सिंबल। इसको कई लोग एंगल बोलते हैं, कई लोग इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं, एक प्लेन एंगल एक सॉलिड, सिर्फ एंगल भी बोल सकते हो और एंगल। आर्क बटे रेडियस किसमें होता है, रेडियन। नहीं सर, एंगल तो डिग्री में होता है। तो भैया यूनिट्स तो बहुत हैं हर चीज की, हम तो एसआई सिस्टम पे चल रहे हैं ना, यूनिट्स तो बहुत हैं। ऐसे तो लेंथ की मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, फिट भी है, इंच भी है, है? हाथ बराबर भी है दो हाथ के बराबर ले आओ, इतनी सी चाय ले आओ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा काम। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो इसकी है वो रेडियन है। डिग्री से कैसे रिलेटेड होती है, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये लिख लो। अभी आगे हम लोग यूज करेंगे, सीख लेंगे, शायद मैथ्स में सीखो या केमिस्ट्री फिजिक्स में मेरे साथ, केमिस्ट्री तो गया फिजिक्स में मेरे साथ सीख लो, या ऐसे याद कर लो 180 डिग्री इज पाई रेडियन, ठीक है, या 90 डिग्री इज, अब तो समझ ही गया क्या कर रहा हूं मैं, पाई बाय 2 रेडियन। ये हो गया हमारा प्लेन एंगल या एंगल। इसकी यूनिट क्या हो गई हमारी, इसकी यूनिट क्या हो गई हमारी, रेडियन हो गई, ठीक है। सिंबल क्या हो जाएगा, आर ए डी, नोट कर लो। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल, मिटा रहे, नोट करते रहो लगातार। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है थोड़ा समझना पड़ेगा शायद। सॉलिड एंगल मतलब 3D में, एंगल को 3D में सोचो, सोचा हुआ है तुमने, ऐसे कोई नई चीज नहीं है। मान लो यहां पे एक कोन है, यहां नीचे एक एंगल बनेगा थ्री डायमेंशनल, ऐसे करके, ये एंगल ऐसे एक लाइन नहीं है, ऐसे ऐसे कोन है, कोन से सॉफ्टी याद आ गई सर, ये कोन है, कोन के ऊपर ऐसे करके, ऐसे आप सोचो कोन के नीचे एकदम इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा पूरा ऐसे 3D में जो एंगल ऐसे ऐसे करके ऐसे जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की फॉर्मूला जानना हो जान लो, सॉलिड एंगल को भी थीटा बोल सकते हैं, सॉलिड एंगल तुम्हें फॉर्मूला जानना हो जान लो। एंगल होता है जैसे मान लो ये एरिया हो गया ए और ये डिस्टेंस मान लो हम लिख दें आर, तो फॉर्मूला है ए अपॉन आर स्क्वायर, सीखोगे एक्चुअल में फॉर्मूला होता है डीए बटे आर स्क्वायर। अब डीए क्या होता है, बहुत छोटा सा एरिया को डीए बोलते हैं, बहुत छोटा सा, अभी आगे सीखना है डिफरेंशिएशन में, यहां टेंशन नहीं लेने का। इसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन, या इसको आप लिख सकते हो एस डी स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल की यूनिट हो गई हमारी स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या है, मतलब कोई एक प्लेन किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा हो, कैसे समझाऊं तुमको, जैसे ऊपर पूरी वॉल है हमारी, ठीक है, सीलिंग है, वो इस पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है निकाल सकते हो, एक लाइन ऐसे बना लो, एक लाइन ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, फिर ये जो पूरा एंगल बन रहा है, समझ रहे हो, ये वॉल है पूरी, तो वॉल से ऐसे आके इस पॉइंट पे, वहां से ऊपर से ऐसे जाके ये जो एंगल पूरा बन रहा है, ये दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, यूनिट है स्टेरेडियन। खास बात ये है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है, है क्या नहीं होता सर, डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन क्या होता है सर, अब उसी पे आ रहे, नोट कर लीजिए, मिटाएं, ओके। तो जो पढ़ने आप आए थे अब वो पढ़ते हैं हम लोग, डायमेंशंस, हेडिंग लगाओ डायमेंशंस, क्या होता है सर, इसको कैसे समझेंगे, कुछ नहीं है ना, बहुत आसानी से। अच्छा, लेंथ को आप किस में मेजर करते हो सर, मीटर में, सेंटीमीटर में, फिट में, इंच में, किलोमीटर में, डेसीमीटर में, अरे बाप रे, कितनी ढेर सारी यूनिट्स हैं, क्यों ना हम लेंथ का एक सिंबल बना लें जो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम हो, सर ऐसा यूनिट तो है नहीं, एक सिंबल बना लें कि लेंथ का ये सिंबल है, तो यही है डायमेंशन, अभी लिखेंगे डेफिनेशन, यही है डायमेंशन में,
जैसे मान लो हमने बोल दिया, पहले लिखो फिर समझाते हैं, डेफिनेशन फिर लिखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ के लिए हमने लिख लिया कैपिटल एल और इसको क्लोज कर दो एक बॉक्स के अंदर। जैसे हमारे पास मास है, तो मास के लिए हमने लिख लिया कैपिटल एम, केजी भूल जाओ। जैसे हमारे पास टाइम है, टाइम के लिए क्या लिखोगे, सब समझ गए हैं, होशियार बच्चे हैं, कैपिटल टी। जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, वैसे तो यही तीन यूज होते हैं बता दे रहे हैं हम, इसके लिए आप लिखते हो क्या लिखते हैं, इसके लिए अलग अलग सोच है। टेम्परेचर की एसआई, अब इसके लिए टी नहीं लिख सकते ना, तो एसआई यूनिट केल्विन है, तो कई लोग कैपिटल के लिखते हैं और कई लोग इसको थीटा भी लिखते हैं। तो डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि टेम्परेचर को थीटा मान के सॉल्व कर दो, थीटा लग जाए, बोलते हैं केल्विन मान के सॉल्व कर दो, जैसा वो कहते हैं कर दो। बेसिकली ये सबसे ज्यादा यूज यही होंगी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और पेपर में भी यही ज्यादा दिखती हैं, फिर भी सब पढ़ो। पांचवा, फंडामेंटल यूनिट्स बताओ, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, और क्या है हमारा, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या रखा, इसकी एसआई यूनिट का ए उठा लिया, एम्पियर। इसके बाद क्या है हमारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये तो कभी ना मिला किसी सवाल में मुझे, आज तक ना मिला। अब मुझे ना मिला तो तुम्हें पता नहीं कहाँ मिलेगा, सर मेरे को तो मिलेगी हैं। सी डी, ठीक है, कैंडेला नहीं, इसके लिए आप सी लिखते हैं, सी कहीं मिला ही नहीं है। सातवां अपना क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मिल जाएगा आपको शायद आज के लेक्चर में, शायद मिल जाए, कोशिश करूंगा मैं इसको लाने की, ले आऊंगा एक जगह पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, तो मोल के लिए एम ओ एल बॉक्स में। सर क्या है ये, अभी मत सोचो, कुछ है, लेंथ एल, मास एम, टाइम टी, डेफिनेशन लिख लो फिर मजा आएगा। समझाओगे सर, नहीं कराएंगे सवाल, मजा आएगा। डेफिनेशन लिखो डायमेंशंस की, डायमेंशंस लिखो लिखो लिखो, डायमेंशंस, डायमेंशंस आर द पार्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। फिर से, डायमेंशंस आर द पार्स, है क्या, हाँ, डायमेंशन आर द पार्स, ये बात पकड़ लो, डायमेंशन आर द पार्स। अभी जेई का अच्छा क्वेश्चन, नीट का अच्छा सवाल देखोगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जब चार ऑप्शन दिया रहेगा उसमें पावर्स रहती हैं ऑप्शन में। डायमेंशन आर द पार्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। फिर से अभी रट लो, अभी समझा। डायमेंशंस आर द पार्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। मैं बहुत रूट तो नहीं हो रहा हूं, सॉरी नहीं बोलूंगा, सॉरी बोलो अभी, चलो। डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, फंडामेंटल यूनिट्स को, यूनिट्स को हमें एक पावर देनी पड़ेगी, फंडामेंटल यूनिट्स को एक पावर देनी पड़ेगी टू एक्सप्रेस द डिराइव यूनिट ऑफ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पे पावर लगाना पड़ेगा, उस पावर को डायमेंशन बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। फिर ये क्यों पढ़ा, अभी समझेंगे, छापो टीपो, सर इसी में तो हम अच्छे हैं, मिटा रहे। अच्छा, करंट को भी एम्पियर का जो ए है उसे कई बार आई लिखा होता है, ठीक है, तो ए और के किताब में आई, एग्जाम में जैसा दिया हो, जो ऑप्शन हो, ए या आई में से दोनों नहीं होगा, ठीक है। आओ, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, आ जाओ यहीं से सीखेंगे एक्चुअली डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, आओ निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन। सबसे पहले आप निकालो एरिया का, तो एरिया की देखो यूनिट से पकड़ लो या फॉर्मूला से, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर मतलब लेंथ, और लेंथ कितनी बार, दो बार, एल स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। डायमेंशंस आर द पार्स, ये है डायमेंशन, आर द पार्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। जैसे मान लो सेकेंड हम ले लेते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब,
यानी लेंथ की पावर 3। अब हम पूछेंगे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ, तो आंसर होगा 3। थर्ड, मान लो हम बोल दें डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम, किसमें होता है? केजी पर मीटर क्यूब। केजी मतलब मास, मास के लिए कैपिटल एम, मीटर मतलब लेंथ, एल क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? एम एल की पावर -3। अब मैं पूछूंगा, ये मास डेंसिटी है, बहुत सी डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी अभी आपको मिलेगी, स्पेसिफिक डेंसिटी मिलेगी, मास डेंसिटी। अब हम पूछेंगे मास डेंसिटी का डायमेंशन मास में कितना है, तो आप बोलोगे एम में डायमेंशन कितना है इसका? 1 है। हम पूछेंगे लेंथ में कितना है, तो आप बोलोगे लेंथ में डायमेंशन -3 है। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन आर दी पार्स, मजा आया, डायमेंशंस आर दी पार्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ड। फंडामेंटल यूनिट की क्या पावर है? 1, तो एम की पावर 1। फंडामेंटल मीटर की क्या पावर? 3, तो एल की पावर 3। अच्छा एक चीज और सुनो, जो सबसे फेमस डायमेंशंस हैं वो है एम एल टी की पावर्स, एम एल टी की पावर्स। तो हम सबको कोशिश करते हैं एम एल टी के टर्म्स में लिखने की, क्या करते हैं? एम एल टी के टर्म्स में लिखने की। इसमें देखो टी गायब है, क्या आप टी इसमें घुसा सकते हो? हम पूछें आपसे मास डेंसिटी में टाइम का क्या डायमेंशन है? सर टाइम तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं टाइम का डायमेंशन 0 है, टाइम है नहीं तो टाइम का डायमेंशन 0 है। तो हम लिख सकते हैं एम की पावर 1, एल की पावर -3 और टाइम का डायमेंशन 0। जैसे हम पूछें एरिया में मास और टाइम का क्या डायमेंशन है, अरे सॉरी एरिया में मास और टाइम कहां, तो ठीक है लिख दो एम की पावर 0, एल की पावर 2। जनरली एमएलटी के टर्म्स में लिखा जाता है, आप बोलोगे सर केल्विन क्यों नहीं लिखा, एम्पियर क्यों नहीं लिखा, जनरली नहीं लिखा जाता, एमएलटी के टर्म्स में लिखते हैं। पूरी मैकेनिक्स 11 की जितनी भी क्वांटिटीज होंगी मैक्सिमम, इसको आप क्या लिख सकते हो? एम की पावर 0, एल क्यूब। ठीक है, बस सर समझ में आ गया, चलो अब शुरू किया जाए। चलो नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आओ फॉर्मूले से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, फॉर्मूले से भी हो सकता है, यूनिट से हो सकता है, जो पहले मिल जाए दिमाग में स्ट्राइक करे, कुछ पकड़ना नहीं है। किसी की यूनिट याद है तो उससे कर दो, कई चीज की यूनिट याद होती है फॉर्मूला नहीं है ना, कई का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की टी। सो व्हाट यू कैन राइट? एल की पावर 1, टी की पावर -1। इसमें एम नहीं है ना, तो क्या हम एम भी डाल सकते हैं? एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की। हम आपसे पूछें व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो मैक्सिमम लोग का आंसर होगा एम 0, एल 1, टी की पावर -1, विच इज रॉन्ग। डायमेंशंस आर दी पार्स। हम पूछेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, आपका आंसर होगा सर द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास इज 0, क्योंकि मास में उसका कोई डायमेंशन है ही नहीं, मास में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वेलोसिटी मास में एग्जिस्ट, तो मास में उसका कोई डायमेंशन नहीं है। द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ इज 1, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इज -1, दिस विल बी द आंसर। अच्छा स्पीड का भी शायद यही डायमेंशन होगा, अरे यार डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो वही ना, देखो यूनिट पकड़ लो मीटर पर सेकेंड। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम है तो उनका डायमेंशन भी सेम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम वही तो होगा लेंथ अपॉन टाइम। फिफ्थ, एक्सेलरेशन, हाय 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 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि यूनिट से यूनिट मर जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, अरे पागल है क्या, चेंज इन वेलोसिटी भी तो मीटर पर सेकंड में आता है, दो वेलोसिटी का डिफरेंस भी तो मीटर पर सेकंड में होगा है, तो ऊपर हो जाएगा अपना मीटर पर सेकंड और नीचे हो जाएगा टाइम सेकंड, तो ये मास नहीं है ये लेंथ है, तो एल अपॉन टी स्क्वायर। सो यू कैन राइट एल की पावर 1, टी की पावर -2 और एम की पावर 0। इसका डायमेंशन मास में 0, लेंथ में 1, टी की पावर -2। जैसे एक्सेलरेशन का सीधा आपको याद है सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, खत्म, लेंथ पर टी स्क्वायर। अच्छा मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी, ये होता क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भाई एक्सेलरेशन ही तो है, तो काय सोच रहे हो यही डायमेंशन होगा, खत्म बात। नहीं इसके फॉर्मूले से निकालेंगे जाके, नहीं यूनिट तो पता ही ना इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ खत्म। अगर यूनिट पता चल गई तो खट से डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ पर टी स्क्वायर। चलो अब डायमेंशन निकाला जाए, खेल खेला जाए डायमेंशन का, मिटा रहे ओके।
नेक्स्ट ले लेते हैं, फाइव हो गई ना, सिक्स्थ, यार नंबरिंग को माफ करना भूल जाएंगे, ठीक है, सिक्स्थ। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। अब मास होता है केजी में, एक्सलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, जो पहले पकड़ में आ जाए। केजी एम, मीटर एल, एस यानी टाइम की पार माइनस टू, भाई ये टी स्क्वायर लिखेंगे ऊपर जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है कि सर ये माइनस टू क्यों लगा हुआ नीचे से ऊपर जाने में। मास में इसका डायमेंशन वन, लेंथ में इसका डायमेंशन वन, टी में इसका डायमेंशन माइनस टू, और मैं चाहूंगा कि फोर्स का डायमेंशन आप याद रखो, एमएल टी की पार माइनस टू, एमएल टी की पार माइनस टू, आई रिपीट, एमएल टी की पार, याद कर लो आगे बहुत कम आएगा, एमएल टी की पार माइनस टू। नेक्स्ट इज लेट अस से मोमेंटम। मोमेंटम अपना मास इंटू वेलोसिटी, आपको सीधा यूनिट आती है तो खेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं बिना यूनिट के भी कर सकता हूं, सब हो सकता है। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था? मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1। किसी को सीधा यूनिट पता है? kg मीटर पर सेकेंड, खेल खत्म हो गया, m l t की पावर माइनस 1। टाइम के लिए t है, सेकेंड नहीं है, ठीक है, और m मीटर है, इसको L लिखते हैं, कई बार गलत हो जाता है, इसको M लिख देते हैं बच्चे लास्ट में एग्जाम में, गलती होती है। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या चाहो तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो भी फॉर्मूला रट के आए हो सबसे चल जाएगा। फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको याद करने को कहा था MLT की पावर माइनस टू, MLT की पावर माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ L, और कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी थीटा और यानी सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं। वैसे कॉस थीटा की वैसे भी देखो तो एक वैल्यू आती है, वेरी सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ना, जैसे हम बोलते हैं मेरे पास कॉस 60 है तो इसकी एक वैल्यू हो जाएगी 1/2, प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है, 1, 2, 3, 4 पाई, इसका कोई डायमेंशन नहीं भाई, कॉस थीटा की एक वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे कॉस 60, कॉस 30, कॉस 45, 1/√2 एक वैल्यू आएगी, वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं। हम चाहेंगे आप इसका भी डायमेंशन याद करो, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, कितना रटवाओगे सर? बस दो, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। नेक्स्ट इज पार। पार क्या होता है बच्चों? वर्क बटे टाइम। तो वर्क का डायमेंशन याद हो गया है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, टाइम का टी, खेल खत्म, एम की पावर 1, एल की पावर 2, ये ऊपर जाएगा, टी की पावर माइनस 3। नेक्स्ट इज एनर्जी। अब बच्चों एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की यूनिट याद कर लो, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, खेल खत्म, जूल होती है, तो यानी वर्क यूनिट भी क्या होती है बच्चों? वर्क यूनिट भी जूल होती है, खेल खत्म, दिमाग भी तो लगाओ, वर्क यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट जूल, यानी दोनों का डायमेंशन सेम, खेल खत्म, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस। अब वो तुमको कौनो एनर्जी दे, 11 12 में कौनो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तमाम एनर्जी तुमको मिलने वाली है, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, कहाँ नहीं एनर्जी, हर चैप्टर में एनर्जी दिखेगी तुम्हें, बस यही रोटेशनल एनर्जी, जो भी एनर्जी हो, जैसे देखो नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लो काइनेटिक एनर्जी कोई निकालने को बोले, ठीक है, नहीं हम निकाल ही देते हैं हाफ, नहीं नहीं निकाल ही देते हैं एम वी स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, मास का डायमेंशन बोलो m, वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम, l बटे t का होल स्क्वायर, क्या आया? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अगर एनर्जी यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम। अब आपसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहें तो बेकूफी होगा निकालना है, आपसे हम इलास्टिक एनर्जी कहें तो बेकूफी होगा निकालना है कि नहीं। तो एनर्जी का डायमेंशन आपका जहां पे एनर्जी दिख जाए मार सकते हो, पर कुछ एनर्जी अलग होती हैं जिनका फॉर्मूला भी होता है, तो थोड़ा सा चेक भी कर लेना, ये बेसिक बेसिक में सही रहता है, कई बार फिजिक्स में भी आगे पढ़ोगे, छोड़ यार इतना भी कितना कॉम्प्लेक्स बनाया अभी के लिए, 12 नंबर हो गए, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज इंपल्स। अभी आपको फॉर्मूले नहीं पता है, हम बता रहे फोर्स इंटू टाइम डेल्टा टी, ठीक है, कितनी देर फोर्स लगी, इंपैक्ट ऑफ फोर्स, कितनी देर फोर्स लगी है, ठीक है, ये होता है इंपल्स। तो फोर्स का डायमेंशन MLT की पावर माइनस टू, रटा होना चाहिए फोर्स MLT माइनस टू, और वर्क ML स्क्वायर T की पावर माइनस टू, रट लो पॉज करके, इनटू टाइम का डायमेंशन T, मतलब T की पावर 1, M1 L1 T की पावर कितना हो जाएगा माइनस 1।
मोमेंटम का डायमेंशन होता है इसका, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एंगुलर खेल खेलना स्टार्ट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है, मैं वीडियो बंद कर दूंगा सर। एंगुलर वेलोसिटी बच्चों इसका सिंबल होता है ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन रेडियस, कहने को वैसे वी परपेंडिकुलर अपॉन आर होता है, छोड़ो, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो बच्चों वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, और रेडियस क्या है, लेंथ, लेंथ से लेंथ मर जाएगा, टी की पार माइनस वन, चाहो तो लिख सकते हो एम जीरो एल जीरो टी की पार माइनस वन, भाई एम वन एल भी घुसाना होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन बटे टाइम, तो इसका डायमेंशन टी की पार माइनस वन, यानी एम जीरो एल जीरो टी की पार, यानी फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होता है। इसी तरह से होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो होती है टू पाई एफ, सेम डायमेंशन। अरे यार कितनी पढ़ोगे, ऐसे रटवा सकते हैं, देखो आज हम 30-32 निकलवा देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया कुछ कॉन्स्टेंट्स की भी निकलवाएंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये भी ओमेगा होती है, इसका फॉर्मूला टू पाई एफ है, सेम चीज है, टू कॉन्स्टेंट नंबर है, मतलब कॉन्स्टेंट ही नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, पाई एक फिक्स्ड वैल्यू एक नंबर, कोई डायमेंशन नहीं, फ्रीक्वेंसी वन बाई टाइम, यानी टी की पावर माइनस वन। जो भी रियल नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं ना, रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, या जैसे भी नंबर्स हैं, समझ गए, हाँ, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। नेक्स्ट 17th, अब हम लोग लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन सर का पढ़ना है, ये सब आएगा रोटेशन में, इसको अल्फा बोलते हैं, फॉर्मूला हम बता रहे हैं आप करो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा हो जाता है बच्चों चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन किससे आया, एंगल से आया, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो गया। ये कितना हो जाएगा, टी की पार माइनस वन और नीचे भी टी, यानी फाइनली टी की पार माइनस टू, एम में जीरो एल में जीरो। नेक्स्ट है टॉर्क, बच्चों टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या एफ इंटू डी इंटू साइन, मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तो मैं, अरे यार फोर्स होता है आर क्रॉस एफ, अभी क्रॉस तुमको पता नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट शायद सीखाओ, तो आगे बढ़ेंगे। एफ डी साइन थीटा फोर्स हो जाएगा एम एल टी की पार माइनस, कहीं मुझसे गलती हो जाए तो माफ कर देना, डी हो जाएगा एल, और साइन थीटा तो एक वैल्यू देगा, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टू, है ना, एक वैल्यू आ रही है, उसका कोई डायमेंशन नहीं, सो दिस इज अगेन एम एल स्क्वायर टी की पार माइनस टू, इसका भी डायमेंशन वर्क के डायमेंशन जैसा होता है। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, अरे बहुत है, इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम होता है मास, आर होता है डिस्टेंस, निकल गया एम एल स्क्वायर, और टी नहीं है तो क्या लिख दें, एम एल स्क्वायर टी की पावर जीरो, एम होता है मास, आर होता है डिस्टेंस, ये सब आप पढ़ोगे रोटेशनल में, मिटा रहे, ओके। तो कराने को बहुत से कराया जा सकते हैं। नंबर 20th एंगुलर मोमेंटम, डिनोटेड बाई एल, एक होता है मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला है इसका एम वी आर साइन थीटा, एक्चुअल में होता है आर क्रॉस पी, पी लीनियर मोमेंटम, निकाल दो जल्दी से, एम मास, वी वेलोसिटी, आर रेडियस, निकल आया एम वेलोसिटी के लिए एल बाई टी, आर के लिए एल, और साइन थीटा तो समझ ही गए नंबर, एम एल स्क्वायर टी की, समझ आया डायमेंशन बढ़िया से आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप देख लो थोड़ा सा अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, अभी के लिए बता रहे हैं, बाद में एक्चुअल फॉर्मूला बताएंगे, प्रेशर का भी यही फॉर्मूला होता है ना करीब करीब, फोर्स क्या है एम एल टी की पार माइनस टू, एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी एम एल ऊपर जाएगा पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, बहुत से हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेन, बच्चा क्या करता है किताब उठाता है डायमेंशन के क्वेश्चन लगाता है, सर नहीं हो रहा है मेरे को डायमेंशन नहीं पता, यार तुम्हें डायमेंशंस पता चलेंगे जब तुम एक एक करके चैप्टर पढ़ोगे, अभी टेंशन मत लो इसकी, डायमेंशन के क्वेश्चन प्रॉब्लम ही होता है डायमेंशन नहीं पता, नहीं पता गूगल पे जाओ सर्च करो उसका फॉर्मूला और डायमेंशन बना लो, आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला दूं खुद से बनाओगे, चलो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बनाओ
चेंज इन लेंथ किस में होगी बताओ, मीटर्स में। ओरिजिनल लेंथ भी किस में होगी, मीटर्स में, यानी मीटर मीटर खत्म, कुछ डायमेंशन नहीं, यानी एल की पावर जीरो। भाई ऊपर भी एल होगा नीचे भी एल है कि नहीं, एल बटे एल, तो ऊपर जाके वन पावर, ये भी वन, वन माइनस वन जीरो, यानी इसका डायमेंशन होगा एम में तो जीरो था ही, एल में भी जीरो, टी में भी जीरो। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है। जो भी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी उनके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, सब ठीक। जैसे चलो नेक्स्ट आपको देते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप चाहो तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, अब मैं करा रहा हूं। यंग्स मजा आ रहा है, करो। यंग्स मॉडुलस ऑफ, अब यार जो भी कराएंगे ना तुम्हें उस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर तुम कर ले जाओगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है बच्चों स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या है डायमेंशन, ये रहा स्ट्रेस का डायमेंशन, छाप दिया एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, खत्म। एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा एम एल माइनस वन टी की पावर। सो एंड सो यू कैन फाइंड न्यूमरस डायमेंशन ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। भाई जितनी भी चैप्टर पढ़ोगे सब में नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, है ना। यहां तक तुमने पढ़ा, इसके बाद अगर हम लोग किसी और चैप्टर फ्लूइड में चले जाएं, तो ये एक टर्म है सरफेस टेंशन, जितना कॉमनली यूज है ना वो हम बता रहे हैं, इस चैप्टर में जितना मिलने वाला है तुम्हें किताब में। सरफेस टेंशन का सिंबल टी होता है कि किताब में एस होता है। फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, खत्म। एम एल टी की पार माइनस टू और एल, तो कितना हो जाएगा एम टी की पार माइनस टू, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या लिख सकते हैं इसको हम, एम की पार वन, एल की पार जीरो, टी की पार माइनस टू। मिटा रहे हैं? तो आपको किसी भी चीज का डायमेंशन चाहिए हो तो आप उसका फॉर्मूला जानते हो तो कर लो। थोड़े ट्वेल्थ के भी कर लेते हैं, कितने हुए थे, 24 हुए थे, 25, थोड़े ट्वेल्थ के भी कर लेते हैं, कुछ टर्म्स कितने हुए थे, 19 हुए थे शायद, है ना, 20th। चलो कुछ ट्वेल्थ के उठा लेते हैं। जैसे ट्वेल्थ से उठा लिया हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, अरे बहुत है, अभी थर्मोडायनेमिक्स निकालेंगे वहां से 10 डायमेंशन निकल आएंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेव से उठा लेंगे वहां से वेवलेंथ वगैरह। इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबल होता है क्यू, फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। करंट आ गया, थोड़ा सा करंट वाले कर लेते हैं। करंट के लिए सिंबल हो जाएगा ए और टाइम के लिए टी, सो डायमेंशन बन जाएंगे ए की पावर वन, टी की पावर वन। आपको एमएल भी चाहिए, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो। जैसे आपसे मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा कर लो, थोड़े नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, ये होता है बच्चों वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन तो पता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और चार्ज का डायमेंशन ये लिखा है ए टी, क्या हो जाएगा एम की पावर वन, एल की पावर टू, ए की पावर माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस थ्री। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ कर देना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, टेंथ में पढ़ा है ना, ट्वेल्थ में आएगा ये सब। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, आप चाहो तो कर सकते हो कि आज ढेर सारे अपने किताब से टर्म्स उठाओ, सबका फॉर्मूला देख के डायमेंशन निकाल लो। ये होता है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल अपॉन करंट, ओम्स लॉ से पढ़ा होगा सबने, ये पढ़ रखा होगा वी इज इक्वल्स टू आई आर, वहीं से किया है। पोटेंशियल का डायमेंशन वो पढ़ा है, उठा लो एम की पावर वन, एल की पावर टू, ए की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस थ्री। करंट का डायमेंशन ए इंटू टी, खत्म, उड़ा दो, धुआं धुआं कर दोगे, निकाल लोगे। जैसे मान लो आपसे मैं बोल दूं कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालो, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंबल है सी, फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, क्यू है चार्ज, वी है पोटेंशियल, तो सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्यू बटे वी, क्यू है चार्ज, वी है पोटेंशियल, तो चार्ज का डायमेंशन, सॉरी यहां करंट डायमेंशन कहता था, वेरी सॉरी, ए हो जाएगा ना, चार्ज का डायमेंशन ए इंटू टी, और पोटेंशियल का डायमेंशन एम की पावर वन, एल स्क्वायर, ए की पावर माइनस वन। तो आप समझ गए हो, मैं भी थक गया हूं, आप भी थक गए हो, आप इन्यूमरस डायमेंशन निकाल सकते हो प्रोवाइडेड दैट यू नो फॉर्मूला। हीट से भी ले लें एक, ऐसे कैसे, हीट को छोड़ दें, हीट से एक ले लें, टेम्परेचर ग्रेडियंट, थर्मोडायनेमिक्स से भी एक दो ले लो। टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर्मूला है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। चेंज इन टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में, लेंथ एल, तो क्या हो जाएगा एम में जीरो, एल की पावर माइनस वन, के की पावर वन, और टी की पावर जीरो। What are the dimension of temperature gradient in mass? Zero. What are the dimension of temperature gradient in length? Minus one. Change in temperature upon length is कम। जब बस formula बताओ तो आप किसी भी चीज का dimension निकाल सकते हो।
अब आते हैं डायमेंशंस ऑफ सम कॉन्स्टेंट्स। फिजिक्स में कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं, उनका डायमेंशन निकालते हैं। क्या कॉन्स्टेंट सारे के सारे डायमेंशनलेस हैं? आओ चेक करते हैं। क्या सारे कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस हैं? आओ चेक करते हैं। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंबल होता है इसका म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सी बटे वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। ठीक, तो ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, यानी ऊपर भी स्पीड मतलब एल बाई टी, नीचे भी एल बाई टी, समझ गया, डायमेंशनलेस निकल जाएगा। एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये तो निकल गया डायमेंशनलेस। क्या सारे कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस है? देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये आप खुद से करोगे। कैपिटल जी का डायमेंशन निकालो, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। F है फोर्स, m1 m2 मास है, r डिस्टेंस है मासेस के बीच का। F है फोर्स, m1 m2 मास है, r डिस्टेंस है मासेस के बीच का। बोलो, निकाल लिया? पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके g का फॉर्मूला बना लो। F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, जी का फॉर्मूला बना लो, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, एफ एम एल टी की पावर माइनस टू, आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, एम वन एम टू यानी एम इंटू एम। एक एम से एक एम मर जाएगा, ऊपर एक एम जाएगा, एम की पावर माइनस वन, है कि नहीं? फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस टू, आर यानी लेंथ, डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे एम वन। एक m कट गया, ऊपर गया, m की पावर माइनस वन, एल की पावर हो जाएगी थ्री और t की पावर माइनस टू। यानी सारे कॉन्स्टेंट फिजिक्स में डायमेंशनलेस नहीं होते। जैसे एक ये भी बड़ा आता है कॉम्पिटिशन में, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, h। इसका फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, पॉज करके निकालो खुद से। हो गया, हो गया। तेरे दर पर सनम चले आए हैं, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर, टी की पावर माइनस टू, फ्रीक्वेंसी टी की पावर माइनस वन। तू ना आया तो हम चले आए हैं, चले आए हैं। यानी ये भी डायमेंशन लेस नहीं है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एम एल स्क्वायर। एनर्जी वर्क का याद है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, फ्रीक्वेंसी वन बाई टाइम, एम एल स्क्वायर ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस। मिटा रहे? जैसे एक और फेमस कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिंबल है के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फॉर्मूला बता देते हैं, PV is equals to KT, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम और T है टेम्परेचर। निकालो, पॉज करके। हो गया, K is equals to PV by T, प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस टू, एरिया का डायमेंशन बोलो लेंथ स्क्वायर, वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ क्यूब और नीचे टेम्परेचर है, ध्यान देना, ये टेम्परेचर है, ध्यान देना, इसको टाइम मत समझ लेना, गलती हो जाएगी। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए कैपिटल के यूज कर लो या थीटा यूज कर लो। दिस इज टेम्परेचर के लिए के और थीटा। सो दिस विल बी एम एल स्क्वायर से एक एल, दो एल कट जाएंगे, ऊपर एक एल बचा, एम एल स्क्वायर, स्क्वायर से दो कटा एक एल, टी की पावर माइनस टू और के की पावर माइनस वन। या हो सकता है लिखा हो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू थीटा की पावर माइनस वन, टेम्परेचर का जो भी डायमेंशन दिया हो एल स्क्वायर। क्लियर है? बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन। एक और बड़ा फेमस है, पांचवा बड़ा फेमस है
कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, ये आता है पेपर में बड़ा, किसने किसी फॉर्म में आता है, फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। एफ है फोर्स, ईटा, ये इसको ईटा बोलते हैं पत्थर ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए है एरिया, डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा जेड है चेंज इन डिस्टेंस। इसको खुद से करना है पॉज करके, आपको मैं फाइनल आंसर बता दूंगा, करना खुद से है, फाइनल आंसर बता दूं, करना खुद से। फाइनल आंसर हो जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन। पॉज करके हो गया, पॉज करके ट्राई करो, क्वेश्चन खुद से जरूर ट्राई करो। ईटा इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा जेड अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस टू, डेल्टा जेड हो जाएगा डिस्टेंस यानी एल, ए एरिया यानी एल स्क्वायर, वेलोसिटी यानी एल टी की पावर माइनस वन। इस एल से एल मर गया, इस एल से एक एल कम हो जाएगा, फाइनली एम एक एल कम हो गया, ऊपर गया एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन, जाके टी की पावर प्लस वन, टी की पावर माइनस वन, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यार निकालते रह जाओगे डायमेंशन, इसका कोई एंड नहीं है बच्चों, फॉर्मूला पता चल जाए तो अपन किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक मोल वाला कराने को कहा था वो करा देते हैं, एक मोल वाला सवाल करा देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर्मूला इसका होता है सी, कई बार सीपी लिखा होता है या सीवी लिखा होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे सवाल है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, छोड़ो यार। फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, क्यू है हीट एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन लगा सकते हो, एन है नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। निकालिए डायमेंशन, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पॉज करके, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, नंबर ऑफ मोल्स के लिए MOL होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन, निकल आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू मोल इनवर्स एंड केल्विन। बाकी आप शीट से प्रैक्टिस करिएगा डीपीपी से। टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी थी, एंगल एंड सॉलिड एंगल, दैट इज एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशंस, इनका कोई डायमेंशन डिफाइंड नहीं है। एंगल की यूनिट अगर फिर से याद दिला दूं, रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। पेपर में ये सवाल आता है, पेपर में ये सवाल आता है, नेम वन फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, एंगल या सॉलिड एंगल, यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। वैसे तो बहुत सी डायमेंशन लेस थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी थी सर, स्ट्रेन भी था, बट यहां खास बात क्या है कि दे हैव नो यूनिट, सॉरी दे हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास यूनिट भी नहीं है, ये डिफरेंस है। जैसे आप स्ट्रेन के पास भी सेम कहानी है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इनकी कहानी अलग है, दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। सर क्या ऐसा हो सकता है एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशंस बट नो यूनिट, क्या ऐसी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशंस तो है बट यूनिट नहीं, नन, इसका आंसर नन। अगर किसी के पास डायमेंशन है तो यूनिट होगी, ठीक है। तो इसके बाद आप डीपीपी को अटेम्प्ट करेंगे, इस लेक्चर को यही करते हैं समाप्त, अगले लेक्चर में आते हैं और करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, और वहां करेंगे ढेर सारे सवाल। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।